बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने जरूरतमंद लड़कियों, महिलाओं तथा आदमियों को साइकिल वितरण किए जानकारी देते हुए सोनू सूद ने बताया कि आज जो लोग जरूरतमंद हैं, जो अपनी साइकिल नहीं ले सकते, ना ही उनके पास कोई और साधन है स्कूल जाने के लिए, काम पर जाने के लिए, उनको हमने 50 साइकिल दिए हैं और ऐसे ही हम आगे भी जरूरतमंदों को साइकिल देंगे। एक तो इससे सेहत अच्छी रहेगी और जो लोग मोटरसाइकिल तथा भिन्न विकल्प पर जाते हैं उनको प्रेरणा मिलेगी, साइकिल चलाने सेहत के लिए कितना अच्छा होगा। और जब उनसे राजनीतिक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि तब भी तो उनका कोई प्लान नहीं है, आने वाले दिनों में आएंगे जरूर, पर अभी इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचा और जो पार्टी अच्छे से देश में सुधार लाएगी उनके साथ रहूंगा। सुखचैन की रिपोर्ट, भारत न्यूज टीवी। मुझे लगता है कि एक तो सबसे पहले मेरा शहर जिससे मेरी इतनी लगाव है, और हमेशा मैं मानता हूँ कि एक फ़िटनेस को मैं हमेशा प्रमोट करता रहा हूँ कि एक फ़िटनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपकी उम्र छोटी है, यंग हो, लड़के हो, लड़की हो, बड़े हो, बुज़ुर्ग हो, फिटनेस हर किसी के लिए ज़रूरी है। और आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग इतने व्यस्त होते हैं कि समय नहीं मिलता, आप अपने काम के लिए जाते हैं, आप अपने रोज़ बिज़नेस के जो रूटीन है उसके लिए जाते हैं, चाहे आपके पास बाइक्स हों, चाहे आपके पास मोटरसाइकिल्स हों, कुछ भी हो, लेकिन बाइसाइकिल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और यही है कि अगर आपकी बोलते हैं कि अगर साइकिल का पहिया चलता रहेगा तो ज़िंदगी का पहिया आसानी से चलता रहेगा। सो आई थिंक दैट्स अ रीज़न कि सब लोगों तक ये वो मैसेज पहुँचे कि फिटनेस के लिए बाइसाइकिल ज़रूरी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको करें, पॉल्यूशन कम होता है उससे और जल्द से जल्द पहुँच सकते हैं, ट्रैफिक का कोई टेंशन नहीं है। किन लोगों को दिए जा रहे हैं? देखिए, बहुत हमने एक लंबी लिस्ट बनाई, बहुत ज़रूरतमंद लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव से बड़ी मुश्किल से आते हैं, बहुत दूर दूर से चलकर आते हैं, स्कूल में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल जाते हैं लेकिन उनके पास बाइसाइकिल्स नहीं है, ऐसे एनजीओस के कुछ हमने लोग पकड़े, ऐसे दुकानों में काम करने वाले लेबर्स हैं जो जिनकी हालत साइकिल्स खरीदने की नहीं है लेकिन उनको चाहिए कि वो घूम सकें या जा सकें, अपने काम पर जल्दी पहुंच सकें। सो हमने उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करके सबको चुना और आज जब हमने देना शुरू किया तो मैं बड़ा खुश हूँ कि उन लोगों तक वो चीज़ पहुंच रही है जिनकी एक्चुअली बहुत बड़ी ज़रूरत है। कितने साइकिल बांट रहे हैं? देयर 50 साइकिल्स एंड आई एम थैंकफुल टू एक्चुअली A1 साइकिल्स ऑल्सो, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर एक ऐसा अभियान शुरू करने का प्लान किया है कि नहीं, ये सिर्फ पहली दफ़ा नहीं होगा, बहुत दफ़ा हम लोग इसको करते रहेंगे। रिजी, आप भी इधर आएंगे? सुन भाई, हर बार की तरह एक ही सवाल राजनीति का, अभी लोकसभा चुनाव बिल्कुल बच चुका है, चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, तो आपका किस पार्टी के साथ संपर्क? देखिए, मेरा तो मैं हमेशा बोलता आया हूँ और हमेशा कहता आया हूँ कि जो भी हमारे शहर को सही रूप दे सके, हमारे स्टेट को, हमारे देश को सही रूप दे सके, आज हम सब लोग इतने नॉलेज रखते हैं कि हमें पता है कि हमें किस पार्टी को चुनना है, किस नेता को चुनना है। सो आई वुड से कि मैं किसी एक पार्टी के लिए बायस नहीं हूँ, बट आई थिंक आई सपोर्ट एवरी वन हु इज़ देयर टू हेल्प आर कंट्री ग्रो। नहीं, देखिए, मेरी मुलाकात तो होती रहती है, जैसे मैंने बोला कि अभी मैं खुद अपनी लाइन में इतना बिजी हूँ कि अभी मुझे लगता नहीं कि वो सही समय है आने के लिए, जब वो सभी समय आएगा तो आई एम श्योर कि मैं ज़रूर आगे वो कदम ज़रूर लूँगा, बट आई थिंक थोड़ा वक्त है अभी उसके लिए। और जो भी आए मैं उनसे वही गुजारिश करूँगा कि खूब मेहनत करके एटलीस्ट मेक दिस कंट्री अ बेटर प्लेस टू लिव इन। इस बार भी मैंने इनफैक्ट सबको मैसेज दिए हैं कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में आ गए हैं, वोट करें और अपनी वोट की कीमत समझें, क्योंकि अगर जो वोट की कीमत समझेंगे तभी हमारा जो सही नेता चुनने का जो रीज़न है मिल पाएगा हम लोगों को। ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ।